जीएसटी लॉ के अंदर स्क्रैप परचेजेस से रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज आया है है एंड ये चेंज इफेक्टिव हो चुका फ्रॉम टेंटोबर ऑफ अक्टूबर 2024 इस चेंज के अकॉर्डिंग अब स्क्रैप परचेज के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया है एंड अब एक नया प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एस टी इस चेंज के कारण काफी कंफ्यूजन है फॉर एग्जाम्पल क्या इसके लिए हमको नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ये किस प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है क्या इस पर रिवर्स चार्ज एंड टीडीएस दोनों एप्लीकेबल होगा एंड ऐसे कई प्रकार के कंफ्यूजन है आज हम इस वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है टू तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके भी जरूर 8th of October 2024 को एक नया नोटिफिकेशन किया गया नोटिफिकेशन by 2024, Central Tax Rate Notification. इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिवर्स चार्ज के अंदर में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसमें एक नया आइटम एड किया गया दैट इज मेटल स्क्रैप मेटल स्क्रैप जो फॉल करते हैं अंडर एच एस एन कोड्स फ्रॉम सेवेंटी टू टू एटी वन जिसमें स्क्रीन में दिए गए कई प्रकार के आइटम्स आते हैं फॉर स्टील कॉपर निकल एल्यूमिनियम टिन एंड एटसेट्रा अगर आप कोई भी अनरजिस्टर्ड स्क्रैप सप्लायर से ये आइटम परचेज कर रहे हैं एंड आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल जी है से 18% वो आपको जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज यस आप

उसका एप्लीकेबल लाइबिलिटी आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी एंड उसी सेम में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर लें बट इस स्क्रैप परचेज का जो रिवर्स चार्ज में जो पेमेंट लाइबिलिटी आएगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम योर कैश लेजर एंड फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इन द सेम जीएसटी आर थ्री रिटर्न तो ये अब एक कंप्लायंस है फ्रॉम टेंथ ऑफ अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर आप कोई भी स्क्रैप परचेज कर रहे हैं विच इज कवर्ड अंडर दीस काइंड ऑफ एच एस एन कोर्ट तो उसके ऊपर आपको एप्लीकेबल जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स नौ सेज जीएसटी टी डी एस नाइन्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया नोटिफिकेशन ट्वेंटी फोर सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग

आपके इनकम टैक्स में चल रहे टी या एस से अलग है इसको आप कंफ्यूज मत करिए फॉर एग्जाम्पल अगर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप स्क्रैप परचेज कर रहे हैं फ्रॉम ए रजिस्टर्ड स्क्रैप सप्लायर ऑफ करोड एंड उस वन करोड़ पे जीएसटी लगता है एटीन परसेंट तो टोटल तो अमाउंट हुआ आपका वन करोड़ एटीन लाख इसका जब आप इस क्रैप सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट से आप उस बेसिक वैल्यू वन करोड़ से टू परसेंट टी डिडक्ट करेंगे

या इसके लिए अब एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है इसका जवाब है कि आपको अब एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है एज अ टैक्स डिडक्टर यस आपको अपना एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज अ टैक्स डिडक्टर बाय अपलाइंग फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म आर स्क्रीन में दिए गए तरीके से आपको इसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है एंड ये जब आपको रजिस्ट्रेशन इशू होगा तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लॉगिन में जाके आपको अपना रिटर्न फाइल करना है इन फॉर्म जीएसटी सेवन स्क्रीन में दिए गए तरीके से आपको टेंथ ऑफ नवंबर तक अपना जीएसटी वो जो आपने दो परसेंट जीएसटी डिडक्ट किया उस टी का आपको पेमेंट करना है अंडर दिस रजिस्ट्रेशन एंड उसका आपको रिटर्न फाइल करना है इन जीएसटी बाय सेवन ऑफ नवंबर यहां पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आपको जो डिटेल भी भरना होगा दैट इज सप्लायर वाइज सप्लायर के जीएसटीएन के अकॉर्डिंग आपको डिटेल भरना है विथ द रिस्पेक्टिव पेमेंट्स यहां पर इन वाइज डिटेल्स का दरकार नहीं है यहाँ पर आपको पेमेंट अमाउंट डालना है कि आपने कितना उनको पेमेंट किया विच इज एक्सक्स टी एंड उस पर आपने कितना टी डी एस डिडक्ट किया वो डिटेल आपको फर्निश करके आपको अपना पेमेंट करके ये जीएसटी आर सेवन फाइल करना है अब ये जी एस टी आर सेवन फाइल करने के बाद आपके जो सप्लायर हैं वो सप्लायर के नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लॉग इन के अंदर में वहां पर ये टी डीएस का डिटेल रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन में दिए गए तरीके से उनके जीएसटीआर आर टू ए के अंदर पार्ट सी इस अक्टूबर मंथ के जीएसटीआर आर टू ए के अंदर एक टेबल है पार्ट सी जिसके अंदर उनको रिफ्लेक्ट करेगा टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट रिसीव उस बॉक्स के अंदर जाने से शो करेगा कि आपने उनका जो टीडीएस डिडक्ट करके जो जमा किया इन जीएसटीआर एस सेवन वो जाके उनके इस जीएसटीआर आर टू ए के अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा एंड अब ये जो टीडीएस वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको वो यूजर सर्विसेज के अंदर में जाके वहां पर टी डी एस एंड टी सी एस क्रेडिट रिसीव का एक ऑप्शन है जहां जाके वो उस टी डी एस के क्रेडिट्स को एक्सेप्ट करने करेंगे एंड उस टी डी एस क्रेडिट को एक्सेप्ट करने से वो पूरा अमाउंट फ्लो कर जाएगा उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इस मैकेनिज्म के थ्रू आपने जो उनका टीडीएस डिडक्ट किया अंडर जी एस टी लॉ आपको उस टी डीएस को डिपोजिट करना है थ्रू जी एस टी आर सेवन विच विल फ्लो टू द डैशबोर्ड ऑफ द सप्लायर इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इस अमाउंट को अब ये सप्लायर यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ देयर आउटपुट टैक्स लाइवली अब इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इस तरह से अगर मेरा कैश लेजर में टीडीएस का पैसा एक्यूमलेट होता रहा तो मेरा बहुत फंड ब्लॉक होगा तो इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपका इस तरह से कैश लेजर में फंड एक्यूमलेट हो रहा है तो आप उसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर ये रिफंड लेने से आपका ये जो कैश लेजर का अमाउंट है वो आपका बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा ये पूरा मैकेनिज्म है जो इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम टेंथ ऑफ अक्टूबर तो इमिडियटली इसको कंप्लाई करिए एंड इस जीएसटी के लेट फाइलिंग में लेट फी भी एप्लीकेबल है, है तो उसके इसमें कोई लेट फी नहीं है बट निल रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी है यस आई होप आपको ये सारे कंप्लायंस के बारे में क्लैरिटी आ गया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए थैंक यू सो मच